यार गजब सुना तेरे बड़े उम्र थे। शेर के खुल चटा दिला आई वाला, शेर के खुल चटा दिला तू तो कहानी हो गया भाई। सही है, सबसे कॉन्फिडेंटली भरोसा किया और देखिए कि आपका बात सही है। अच्छी चीजें इसके लिए अलग से बताएगी आदमी हो जाता है। मैं छुट्टियों की तैयारी में कंपनी में था और मुझे क्या पता था कि आप इतना बड़ा सरप्राइज देंगे। दोनों दोनों आजकल आपकी वर्किंग है, आओ इधर आओ, उसको वहीं खिला दो। और आप खेसारी भैया के सारी चीजों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, वो दिख रहा है सर। आप बुखार भी हो रहा है कोई बात? अरे मदन कोई खिलाओ, गला बैठा हुआ है, गला बैठा हुआ है। लेकिन भैया को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत कम लोग इतना सपोर्ट करते हैं, तो थैंक यू फॉर द सपोर्ट भैया, लॉट्स एंड लॉट्स। हम सब लोग परिवार हैं और परिवार के मतलब मेरा आप जानते हैं कि भाई के साथ लगभग पिछले 15-17-18-20 साल से। लो अजीत सबको कितना हमसे, मैं इन सब चीजों पे कोई मेरा मतलब नहीं है। मेरा एक लाइन का बात है, खेसारी लाल यादव अगर रोए हैं, चाहे अगर उनके मन से भाव निकला है, उनकी तकलीफ वही जानेंगे, न उनके पास आप है ना हम है ना कोई। अगर मैं किसी दिन लाइफ में रोया हूं तो मेरी तकलीफ मैं जानूंगा ना सर, आप कैसे जान जाओगे? जी बिल्कुल, आप दूर से कैसे जान जाओगे? आप बातें बना आप जानोगे नहीं, तो उनकी इंटरनली कुछ प्रॉब्लम होगी जो कि हमें भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। हम आप जैसे आप देखे हो वैसे मैं भी देखा हूँ कि लाइफ में वो कुछ बातें रखे हैं। जैसे जब सुशांत जी का उन्होंने जिक्र किया तो मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 बयान में बोल चुका हूँ कि मेरे साथ जो हो रहा है, मैं पर्सनली भी बोला हूँ कि शायद मैं किसी दिन आपा खो दूं। मुझे भी इस बात का टेंशन रोज रहता है कि मानसिक तौर पर टॉर्चर होते 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 किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि जिसको आप बाद में आपको लगे कि अरे ये तो बंदा बोलता था आज हो गया, पता नहीं। लेकिन ये ठीक नहीं है सर, इंडस्ट्री में कुछ ही स्टार हैं जो सबको मिलकर रहना चाहिए, काम करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये बिखर रहा है इंडस्ट्री, तो ये क्या है मैसेज है? मतलब कुछ मैसेज है आपकी इंडस्ट्री के लिए? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बिखर नहीं रहे हैं, हम होड़ में बर्बाद हो रहे हैं। जी मेरी बात को समझ रहा है? जी समझ रहे हैं, फर्स्ट कम मतलब, बट हम होड़ कैसे कर रहे हैं? किसी को डाउन करके किसी को अप करने में लगे। जी हम होड़ में बर्बाद हो रहे हैं। होड़ मतलब क्या होता है? जैसे हम 10 लोग गाते हैं तो हम कितना बेहतर हारमोनियम बजा के गाए उस बात पे मेरा ध्यान नहीं है। ठीक है, हम रिपोर्ट मार के गाना रुकवा के कैसे अपने गाने को एक दिन में आगे बढ़ा दे उस बात से मतलब है, जो मेरे साथ अक्सर होता है। बिल्कुल, खास करके आपके गाने और मेरे गाने पहले 8-10 दिन बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बाद में वही गाने 2 महीने बाद 20-30 मिलियन दिखाते हैं। तो इन हेटर्स को क्या जवाब है राकेश मिश्रा के स्टाइल में कि जो गाने पे रिपोर्ट मारते हैं, खास करके आपके गाने पे, होली के गाने पे भी रिपोर्ट मारी गई थी? सर नहीं, मैं आपको बोल दिया हूँ कि अब मैंने बोला, जवाब भी दिया, लेकिन जवाब में फायदा ये मिला, बुरा मत मानिएगा, इंडस्ट्री की एक मीडिया बहुत बड़ी चीज होती है कि आप लोग रियली बहुत सपोर्ट करते हैं राकेश मिश्रा को, और मैं इसके लिए आपके हर एक मीडिया बंधु को, हर एक चैनल पे न्यूज बनाने वाले भाई को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम मेरी बात आप लोग पहुंचा देते हो लोगों के बीच में। भले कितना भी आपको गाली पड़ता है, नीचे से गाली भी खूब लिख के आती है, उसके बावजूद भी आप लोग हिम्मत करते हो, क्योंकि पब्लिक जो है वो सच्चाई कम और भक्तबाजी में ज्यादा गाली सुनाती है। जब सच्चाई पता चलता है उसको तब तक तो गाली दे होती है, बाद में बोलती है राकेश भैया गलती हो गई, तेरा माई की गाली दे देनी है, लेकिन हम पहले सुनबे ना क्यों नहीं होती है। क्या है कि जो चीजें हैं या जो चीजें हो रही है, हम खुद ही थक गए हैं, आपको सच बता रहे, एक बार बोले, 2 बार बोले, 3 बार बोले, अब मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है जिसने हमें भेजा है धरती पे, हम सिर्फ काम करेंगे, जिसको जो करना है करे, जैसे करना है करे, हमारे तरफ से मना नहीं है। ठेठ भोजपुरी में कहा होगा कि मुर्दा पर 6 मन चाहे 9 मन, अरे जब मैं मर गया तो मेरे पे चाहे 6 मन लकड़ी डाल के जलाइए चाहे 9 मन डालिए, जलना तो है। अब आपको जलाना है तो राकेश मिश्रा को चाहे जितना घी डालिए जलाइए, अब हम जलेंगे और बस अपने आप को कैसे भी कंट्रोल करेंगे, क्या कर सकते भैया। खेसारी लाल यादव जी के साथ जो काजल राधवानी की जोड़ी काफी पसंद है, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में सीधा सीधी कह दिया है कि जी हम खेसारी जी के साथ काम नहीं करेंगे या खेसारी जी हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जोड़ी का कुछ कंट्रोवर्सी कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि आपकी भी जोड़ी काफी हीरोइनों के साथ हमेशा ट्रेंडिंग में होती है, तो क्या ये सही है इस तरीके से बोलना? देखिए आप एक खुद बहुत अच्छे पत्रकार है, मीडिया है, जैसे कि हम लोग बड़े भाई संजय भूषण पटियाला भैया भी एक बार हमसे बात चर्चा किए थे,
मैंने एक नॉर्मल लेवल पे बात बताया हूँ कि, और आपको ही बता रहा हूँ, सब कुछ करिएगा ब्रदर जी, ये सब कलाकार ना एक परिवार है जी, ठीक है जी। दो मिनट के लिए बातें हो गई होंगी, कड़वाहट हुआ होगा, वो सब चीजें मुझे नहीं पता, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ जी, जितना आप सुन रहे हो उतना ही मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन दोनों लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, दोनों लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, दोनों लोग भोजपुरी के टॉप के स्टार हैं, सबको पसंदीदा जोड़ी है, माता रानी करे जी, महादेव करे, हमेशा ये लोग खुश रहे, साथ रहे और हमेशा काम करेंगे, मुझे लगता है ये लोग काम करेंगे, मेरा दिल बोल रहा है, और काम होना भी चाहिए। कोई पब्लिसिटी स्टैंड तो नहीं है भैया? नहीं, किसी चीज को आप देखिए, प्रॉब्लम क्या है, हम किसी पे खर्चा नहीं करते हैं जी, लेकिन दिमाग बड़ा जल्दी लगाते हैं। आप किसी स्टार के घर पे आप सब्जी तो पहुंचाते नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको रोटी सब्जी तो कभी देते नहीं है, किसी छह महीना उसका काम नहीं चला होगा तो उसको कभी 2000 का मदद तो किए नहीं होंगे, लेकिन अगर उसके लाइफ में कुछ होता है तो आप कितना जल्दी 10 को सवाल दाग देते हैं जी। कारण क्या है कि हम किसी पे अचानक केस मार के कुछ भी बोल देना, ये पूरा पूरी निरर्थक है, तो प्लीज निरर्थक बयानबाजी से बचे। है, हुआ है, होगा, होता रहता है, नया थोड़े हुआ, विवादों का पुराना नाता।